कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर बीजेपी ने आज अपना चुनावी पिटारा खोला। बीजेपी ने कर्नाटक के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदुरप्पा ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी किया। बीजेपी ने महिलाओं और किसानों से जुड़े लोगों पर भी जोर देते हुए कई लुभावने वादे जनता के सामने रखे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार अब आखिरी मोड़ पर है। मतदान से महज एक हफ्ते पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदुरप्पा ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में घोषणा पत्र को जारी किया। इसमें सिंचाई के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए निर्धारित करने के वादे के साथ कई घोषणाएं की गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र की खास बातों पर। महिलाओं को 2 लाख रुपए तक का 1% ब्याज दर पर कर्ज, बीपीएल परिवार की सभी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन, जानवरों के कल्याण के लिए 3000 करोड़ रुपए, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 20 लाख किसानों को 10,000 रुपए की मदद, सिंचाई योजना के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए, किसानों को पंप सेट के लिए 10 घंटे के लिए मुफ्त में बिजली, गौ हत्या को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, भाग्यलक्ष्मी स्कीम के तहत 1 से 2 लाख रुपए मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की महिलाओं को दिए जाएंगे, 3 ग्राम का मंगलसूत्र सभी बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए उनकी शादी के मौके पर, नौकरी के लिए 250 करोड़ रुपए, हर तालुका में रनिंग ट्रैक और स्विमिंग पूल, 300 से अधिक अन्नपूर्णा कैंटीन, 400 एसटी बच्चों को विदेश में पढ़ाई की मदद, ओबीसी के लिए सुविधा घर, 7,500 करोड़ रुपए का बजट, 2400 घंटे एंटी करप्शन हेल्पलाइन, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र, लोकायुक्त को मजबूत बनाया जाएगा, सभी छात्रों को मुफ्त में ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, सभी तालुका में आरोग्य केंद्र की स्थापना, राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर, राज्य में हाईवे का विकास किया जाएगा, बंगलुरु को कचरा मुक्त किया जाएगा, बीपीएल महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड, जबकि दूसरी महिलाओं को 1 रुपए में सैनिटरी पैड। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस की ओर से अपने घोषणा पत्र में फ्री लैपटॉप, इंटरनेट, आईटी सेक्टर, अन्य भाग्य योजना जैसी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है। कर्नाटक में चुनाव से पहले ही कांग्रेस सरकार की ओर से लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने से जिस तरह सियासी समीकरण बदले थे, उसी को देखते हुए बीजेपी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारक लगातार आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर हमला कर रही है, साथ ही कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बहरहाल कर्नाटक के इस रण में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच है। कर्नाटक की सभी सीटों के लिए एक ही चरण में 12 मई को मतदान होना है और 15 मई को नतीजे घोषित होंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।